गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सृष्टि आर्यस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस आज मेरा रिव्यू है ब्राइडल ज्वेलरी का, रिव्यू मैं देने वाली हूँ। ग्रीन ब्राइडल ज्वेलरी रिव्यू है। ये अमेजॉन से मैंने परचेज किया है और कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में ये आया है। एक्चुअली ये अमेजॉन उल्टा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ, तो इसलिए ये इस तरह से आ रहा है और इस तरह से कुछ पैकेजिंग करके इन लोग ने दिया है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी पैकेजिंग और इसका रिव्यू सब आपके सामने अनबॉक्सिंग की जाए कि कैसे कैसे मतलब मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ और कैसा ये आया है। आप ही के सामने मैं अनबॉक्सिंग करने चल रही हूँ और देखती हूँ क्या आया है क्या नहीं आया है। और इसको मैं देखिए कट कर रही हूँ। गाइस ये कुछ इस टाइप के बॉक्स में दिए हैं उन लोग ने और इस टाइप का बॉक्स है और अच्छी पैकेजिंग तो इसकी बहुत अच्छी आई है। और देखते हैं अंदर ज्वेलरी कैसी आती है, ये मैं देख के बताती हूँ आपको। गाइस ये काफी खूबसूरत आया है, अगर आपको भी मंगानी है तो बिल्कुल मंगा सकते हैं। ये वाकई बहुत ज्यादा सुंदर आया है और आप इसकी फिनिशिंग देखिए, कितना प्यारा ज्वेलरी है। ये बहुत सुंदर कुंदन की ज्वेलरी है और इसकी सबसे अच्छी बातें ये लगी है कि इसमें मतलब बैलेंस करने के लिए डबल डोरी लगा रखी है। मतलब एक तो हम डाल के फिट करते हैं पर यहाँ का जो शेप है उसको एक मेंटेन करने के लिए इन लोग ने डबल मतलब डोरी का इस्तेमाल किया है। ये चीज बहुत अच्छा आया है और रियल में ये बहुत खूबसूरत लग रही है। ये देखिए डबल मतलब डोरी का इस्तेमाल किया गया है। अधिकतर ब्राइडल ज्वेलरी में एक ही होता है पर इसमें डबल है और ये काफी खूबसूरत। इसका अगर एक ही पहना, आजकल तो एक ही का फैशन चल रहा है, अगर एक पहना चाहो तो काफी सुंदर लग रहा है और बिल्कुल आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको करना है ब्राइडल ग्रीन ज्वेलरी की जरूरत है या नीड है तो आप इस ज्वेलरी को जरूर ले सकते हैं अमेजॉन से। और ये मैंने अमेजॉन से मंगाया है। इसकी फिनिशिंग देखिए गाइस, काफी खूबसूरत दिख रहा है। देखिए ये ग्रीन और व्हाइट स्टोन के मतलब स्टोन में ये वर्क किया गया है और ये काफी अच्छा लग रहा है। ये जो नीचे नीचे लटकाए हुए हैं ये भी अच्छे लग रहे हैं, इसमें मोतियां भी अच्छी लग रही है। और फाइनली ये वाला तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। गाइज इसका लॉन्ग वाला भी काफी सुंदर है क्योंकि इसके लॉन्ग वाले में आप ध्यान से देखिए ये जो इसका मॉडल दिए हैं ये लंबे वाले का, अधिकतर ज्यादातर ब्राइडल ज्वेलरी में राउंड राउंड जैसे आते हैं तो लड़कियां कम पहनती हैं, मतलब दोनों नहीं पहनती है। पर इसका अगर आप दोनों भी पहनना चाहो तो दोनों ही खूबसूरत लग रहा है क्योंकि इसका जो लॉन्ग वाली है ज्वेलरी ये भी काफी सुंदर लग रही है। और आप देखिए ध्यान से देखिए, आपको बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल पैसा वसूल ज्वेलरी है। अगर आप मंगाओ तो एकदम खुश हो जाओगे इसको मंगाने के बाद, अगर ग्रीन ज्वेलरी आपको पसंद है ब्राइडल में। और रियल में गाइस ये बहुत सुंदर लग रहा है। ये आपको मैं एक बार डाल के भी दिखाती हूँ, ये बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब अच्छा ही लग रहा है। ये देखिए ये काफी सुंदर लग रहा है, ये यहां तक आ रहा है, ये फाइनली यहां तक आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर जैसे ये ग्रीन वाला भी डालना चाहो तो दोनों अगर आप डालना चाहोगे तो खूबसूरत ही लग रहा है। ये देखिए ये काफी सुंदर सा लुक क्रिएट कर रहा है। अगर आपको मंगानी है तो ये ज्वेलरी बिल्कुल मंगा सकते हो, बहुत सुंदर लग रही है ये ज्वेलरी देखने में। गाइस रही बात इयररिंग की, तो इयररिंग भी इसके काफी खूबसूरत हैं। ये छोटे मतलब बड़े बड़े दो झुमके टाइप के दिए गए हैं। अगर आप इसको मतलब ले लेते हो और बाद में अगर ब्राइडल आपकी शादी हो जाती है उसके बाद भी आप अगर यूज करना चाहो किसी ड्रेस पे तो आराम से यूज कर सकते हो क्योंकि इसके झुमके बहुत वेटेड नहीं है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत फिनिशिंग से दिख रहे हैं और इसके झुमके वाकई बहुत सुंदर है। बिल्कुल आप परचेज कर सकते हो। और इसमें बिंदी जो दिए हैं गाइस ये भी बहुत खूबसूरत है। सबसे सुंदर इसकी माथा पट्टी कह सकते हैं इस बेंदी को क्योंकि तीन वाला है। और इसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है क्योंकि इसकी ये जो इधर वाली लड़ियां हैं ये बहुत चौड़ी नहीं है। गाइस अधिकतर ब्राइडल ज्वेलरी में ये चीज बहुत ज्यादा चौड़ी होती है तो फेस बहुत ढक जाता है और ये फाइनली बहुत चौड़ा नहीं दी है तो इसलिए काफी सुंदर लग रहा है। जैसे मैं इसको लगाती भी हूं तो आप ध्यान से देखिए इसकी जो लड़ियां हैं बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं लग रही तो इसलिए सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर सा लुक क्रिएट हो रहा है। और ये वाकई बहुत सुंदर लग रही है। अगर आप देखिए इसकी बीच में भी एक वर्क दिए हैं, सिंपल सा एक वर्क दिए हैं और इधर देखिए इसमें इधर देखिए अच्छा वर्क दिए हैं, इधर भी अच्छा वर्क दिए हैं, ये भी अच्छा वर्क दिए, अच्छे से वर्क दिए हैं। ये चीज इसकी ये लड़ी जो है ये काफी लंबी है, ऐसा नहीं कि जैसे आप बीच में लग रहे हो तो कहीं कहीं कभी कभी हमारी यहीं तक रहती है, ये बाकायदा पूरी बालों तक जा रही है। मतलब इसकी लंबाई और इसकी लेंथ देख करके, इसकी फिनिशिंग देख करके बहुत ज्यादा हम सेटिस्फाइड हुए इसकी ज्वेलरी देख करके। ये बहुत खूबसूरत ज्वेलरी है, रेट के हिसाब से ये बहुत अच्छी लग रही है। और इसका जो रेट है ये मैं आपको मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे, आपको मैं लगा दूंगी कि कितने की मैंने परचेज की है, कितने की खरीदी है। और अगर आपको शॉपिंग करनी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दूंगी, अगर आप शॉपिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। बिल्कुल आप इसको मंगा सकते हैं। इसके हाथ में भी दिए हैं, दोनों हाथ का ये जो हाथ का फूल कहलाता है ये भी दिए हैं, ये भी अच्छा लग रहा है देखने में। ये ब्रेसलेट टाइप का दिए हुए हैं, अंगूठी वाला दिए हैं, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी बहुत खूबसूरत है। और इसकी नथ भी जो है वो भी सिंपल सी है, शूट सी है। ये देखिए इसकी नथ भी अच्छी है, सिंपल सी है पर अच्छी लग रही, बड़ी है तो अच्छी लग रही है। और फाइनली गाइस ये ब्राइडल ज्वेलरी वाकई बहुत सुंदर है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। ये देखिए ये इसका लॉन्ग वाला है, ये देखिए इसका लॉन्ग वाला है। फाइनली ये इसका देखिए ये इसका शॉर्ट वाला है। फिर से आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको मंगानी है तो बिल्कुल मंगा सकते हैं। और इसके झुमके भी बहुत सुंदर सुंदर हैं। आप इसको आप अगर परचेज कर लेते हो अपनी ब्राइडल ज्वेलरी तो बाद में भी आप पहन सकते हो, आसानी से पहन सकते हो आप किसी भी, क्योंकि इतनी वेटेड नहीं है कि आप बाद में नहीं पहन सकते हो। इसका ये ब्रेसलेट तरीके से है, ब्रेसलेट की तरीके से है, इसको भी आप आराम से पहन सकते हो। तो इसलिए फाइनली मैं इस पे रेटिंग अगर देना चाहूं तो मैं 5 में 5 दूंगी, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। इसकी बिंदी भी बहुत सुंदर है, मतलब मैनेज कर सकते हो आप आराम से। कभी आप इसको सिंगल भी पहनना चाहो तो इसको इधर उधर की क्लिप निकाल के इसको सिंगल करना चाहो तो सिंगल भी कर सकते हो। तो फाइनली ये गाइस ज्वेलरी बहुत ही अच्छी आई है। और आपको अगर ग्रीन ज्वेलरी अपनी शादी के लिए या किसी को मंगानी हो, आप सजेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। बिल्कुल ये ज्वेलरी एकदम पैसा वसूल ज्वेलरी है, मैं ये जरूर कहूंगी। और बस यही पे मैं अपना वीडियो खत्म करती हूँ। और बस गाइज यही आपसे वो है कि बस आपको मेरे चैनल या आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर किया करिए। थैंक यू सो मच।